मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। सातवां अधिकार निश्चय आवासी का प्रकरण, गंभीर भूलें। जो व्यक्ति ज्ञानी दिखाई देते हैं उनकी भी यहाँ भूलें निकाल रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों की भूलों की चर्चा चल रही है। जो जीव शास्त्राभ्यासी हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, जनवाणी का अध्ययन मनन करते हैं, ये कहते हैं हमें तो अध्यात्म की सच्ची रुचि है, उन लोगों को ये प्रकरण जरूर पढ़ना चाहिए जिसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। जरूर इस विषय को देखना चाहिए, अध्यात्म की सच्ची रुचि का मतलब क्या होता है। कहते तो ये हैं हमें बहुत रुचि है, हमें तो आत्मा की रुचि है, बस आत्मा ही आत्मा की चर्चा करनी, अरे आत्मा आत्मा बस हमें तो आत्मा ही सुहाता है, हमें तो आत्मा की ही चर्चा करना ज़्यादा पसंद आता है। बोलो, बहुत ऐसा लगता है हमारे को कि आत्मा की चर्चा करो, अध्यात्म की चर्चा करो, त्रिकाली ध्रुव आत्मा की बातें करो। आत्मस्वरूप की चर्चा का आनंद ही कुछ और है। जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। अध्यात्म की चर्चाओं में बड़ा आनंद आता है, बाकी सब चर्चाओं में तो हमें समय वेस्ट नज़र आता है। ऐसा कहने वाले लोगों को यहाँ टोडरमल जी साहब कुछ दिशा निर्देश दे रहे हैं। ये प्रकरण 200 नंबर पेज की अंतिम पंक्तियों में कल हमने पढ़ा था, 201 नंबर पेज से आज हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, टोडरमल जी साहब ने इतनी सुंदर लाइन कह दी, भैया अन्य शास्त्रों में अरुचि तो नहीं है, कहीं टटोलना अपने हृदय को निकालने का प्रयास करना, अपने हृदय को देखने का प्रयास करना, अंतर में झांकने का प्रयास करना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें अन्य शास्त्रों में अरुचि हो गई हो। जिसको अन्य शास्त्रों की अरुचि है उसे अध्यात्म की रुचि सच्ची नहीं है। ओहो, अन्य शास्त्रों में यदि अरुचि वर्तती है तो इसका मतलब अध्यात्म की रुचि सच्ची नहीं है। सच्ची रुचि है क्या आत्मा को जानने की? आपको आत्मा पसंद आता है क्या? आपको त्रिकाली ध्रुव है भगवान आत्मा पसंद है क्या? आपको ऐसा लगता है क्या कि आत्मा है और मज़ा आ जाता है भैया, मज़ा आ जाता है आत्मा में, आत्मा की बातें में, अनुभव की बातें में, अतींद्रिय आनंद की चर्चाएं करने में मज़ा आता है? यदि सच में दिल से आप आत्मा को पसंद करते हैं तो टोडरमल जी ये कहना चाह रहे हैं कि भैया आत्मा को पसंद करने वाले लोगों को आत्मा की चर्चा करने वाले भी सुहाएंगे। आत्मा जिन्हें पसंद होगा उन लोगों को आत्मानुभवी लोग भी पसंद आएंगे, उनकी कहानियाँ भी पसंद आएगी, उनके प्रसंग भी पसंद आएंगे। बोलो, ख्याल में आ रही है बात? आपको यदि आत्मा की रुचि है और आपको आत्मा की चर्चा करने वाले पसंद नहीं आ रहे, इसका मतलब आत्मा की रुचि सच्ची नहीं है। बोलो, यदि आपको आत्मा की सच्ची रुचि है और आपको आत्मा की बातें करने वाले पसंद नहीं आ रहे, आत्मानुभवी जीव पसंद नहीं आ रहे, आत्मा के विशेष जहाँ वर्णन किए हों वो बात पसंद नहीं आ रही, तो इसका मतलब तो आप बहाना बना रहे हो, झूठी बातें कह रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो आत्मा की रुचि का, यही अर्थ समझना चाहिए। मैं एक बात पूछता हूँ, आप लोगों में से बहुत सारे हमारे साथी ऐसे होंगे
जिनको खेलों की रुचि होगी, क्रिकेट की रुचि होगी, होगी बहुत सारी। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तो, बहुत एग्जांपल दे सकता हूँ, खेल का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप सब तरह की बातें लगा लीजिए उसमें। जिस व्यक्ति को भोजन की रुचि हो उसे अच्छा भोजन बनाने वाले भी पसंद आएंगे, निश्चित है ये बात। जिस व्यक्ति को क्रिकेट की रुचि हो और उसे सचिन तेंदुलकर पसंद नहीं आए या धोनी पसंद नहीं आए, ये बात कैसे हो सकती है, बोलो। छोटी सी जिज्ञासा है हमारी, आपको यदि खेलों में रुचि है, आपको यदि क्रिकेट में रुचि है, क्रिकेट बहुत पसंद है आपको, क्रिकेट बहुत पसंद है हमारे को, तो आपको तेंदुलकर धोनी जैसे प्लेयर पसंद नहीं आएंगे? जरूर पसंद आएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। आपको यदि क्रिकेट की रुचि है तो आपको धोनी की बायोग्राफी देखने में मज़ा नहीं आएगा, उसकी जीवन हिस्ट्री पढ़ने की सुनने की आपको इंटरेस्ट नहीं होगा? होगा, निश्चित तौर पर होगा। टोडरमल जी ने इस मनोविज्ञान को पकड़ा है और इस मनोविज्ञान को पकड़ करके टोडरमल जी ने यहाँ जवाब दिया है, जिसे अध्यात्म की सच्ची रुचि है उसे अन्य शास्त्रों में भी रुचि अवश्य होती है, जिसे अन्य शास्त्रों में रुचि नहीं है उसे अध्यात्म की रुचि भी सच्ची नहीं होती है। देखो इस बात को सिद्ध करते हैं पंडित जी। पंडित जी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया और इस उदाहरण का को प्रस्तुत करते हुए टोडरमल जी साहब ने जिन गहराइयों की चर्चा की है, आप देखना जरा 201 नंबर पेज, जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 201 नंबर पेज, जैसे जिसके विषयासक्तपना हो वह विषयासक्त पुरुष की कथा भी रुचि पूर्वक सुने। लो क्या कह दिया, विषयों की रुचि है, भोगों की रुचि है, भोग जिस व्यक्ति को पसंद आते हैं वो क्या करेगा, बोले विषयासक्त पुरुषों की कथा भी रुचि पूर्वक सुने, कथा सुने। उदाहरण है अभी टोडरमल जी साहब यहाँ 2.5 लाइनों में एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल में भी चारों अनुयोग दिखाई देने चाहिए। देखना जरा कैसे दिख रहे हैं, विषयासक्त पुरुषों की कथा सुने प्रथमानुयोग के लिए उदाहरण, फिर विषय के विशेष को जाने करणानुयोग, विशेष जाने, भेद प्रभेदों के अंग को जाने, यहाँ करणानुयोग आ गया। विषय के आचरण में जो साधन हो उन्हें भी हित रूप माने, यह आचरण में साधन कहकर के चरणानुयोग आ गया। वे विषय के स्वरूप को भी पहचाने, ये स्वरूप के पहचानने में द्रव्यानुयोग आ गया, क्योंकि द्रव्यानुयोग स्वरूप की चर्चा करता है। बोलो चार अनुयोग की चर्चाएं आ गई, उदाहरण पढ़ा है अभी हमने, सिद्धांत आगे घटित करेंगे। टोडरमल जी का उदाहरण से सिद्धांत का प्ररूपण कितना सांगोपांग होता है यह देख करके ही हमारा जो चित्त प्रफुल्लित हो जाता है, कितना सटीक वर्णन करते हैं पंडित जी साहब। देखिए क्या कह रहे हैं, चार बातें कह दी। विषय में आसक्त व्यक्ति को मजा आता है विषयासक्त जीवों की कथाएं देखने में, सुनने में। भोगी व्यक्ति को भोग के दृश्य देखने में, भोग की चर्चाएं करने में, जिनसे विषय भोगाधिक विशेष रूप से भोगे जाते हों ऐसा आचरण करने में, भोग किस किस प्रकार से भोगे जा सकते हैं उसका स्वरूप जानने में भी और उनके भेद प्रभेदों को जानने में भी, उसका वर्णन जानने में भी विशेष रस दिखाई देता है। ये तो विषयासक्त जीवों की बात कही। उसी प्रकार जिसके आत्मरुचि हुई हो, ओहो, जिसे आत्मा की रुचि हुई हो, जिस जीव को, वह आत्मरुचि के धारक तीर्थंकर आदि के पुराणों को भी जाने, नहीं जानेगा। आत्मा की रुचि आपको आत्मानुभवी पसंद नहीं आएंगे, आत्मा की रुचि आपको आत्मा की चर्चा करने वाले पसंद नहीं आएंगे। बोलो साहब आत्मा की तो बहुत रुचि है, तो भैया अनुभवी लोग भी पसंद आएंगे, अनुभव का उपदेश देने वाले भी पसंद आएंगे। जो आत्मा अनुभव में डूब जाने वाले ऐसे वीतरागी दिगंबर संत हैं वे भी पसंद आएंगे, और आत्मा अनुभव जिनके बाहरी जीवन से दिखाई देता है ऐसे तीर्थंकर आदि महापुरुष भी पसंद आएंगे, उनकी कथाएं पढ़ने सुनने में भी आनंद आएगा। बोलो कितना सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं पंडित जी। अब आपको आत्मा तो पसंद है,
लेकिन आत्मा का अनुभव करने वाले अनुभवी व्यक्ति पसंद नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप झूठ बोलते हो कि आपको आत्मा पसंद है क्या? आपको तीर्थंकर पसंद नहीं आ रहे हैं, आपको तीर्थंकरों की कहानियां पसंद नहीं आ रही है, उनकी स्टोरी पढ़ने में पसंद नहीं आ रहा है। आपको क्या मिलेगा उनकी स्टोरीज में? ऐसी चर्चाएं मिलेगी। भगवान महावीर स्वामी राजकुमार वर्धमान को देखकर चंदन वाला ने ये कहा कि वर्धमान, जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी आत्म तत्व का फटाफट अनुभव कर लूँ। बोलो, फटाफट आत्म तत्व का अनुभव कर लूँ मैं, ऐसा लगता है मुझे आपको देख करके। लेकिन जब मैं आत्मा का अनुभव करने के लिए प्रयास करती हूँ तो पता नहीं विकल्पों में उलझ करके रह जाती हूँ। तो आत्म अनुभव की विधि बतला। देखो संवाद चल रहा है, प्रथमानुयोग का संवाद है। हरि भाई ने लिखा 24 तीर्थंकर पुराण में, भगवान महावीर स्वामी की चर्चा करते समय चंदन वाला और महावीर स्वामी का प्रसंग, आपसी चर्चा। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपको वो चर्चा पसंद नहीं आएगी, प्रथमानुयोग की कथा है। कहानियों के माध्यम से वीतरागता बतलाई जाती है, आपको मजा आता है। अरे यार इन महापुरुषों ने क्या गजब किया यार, क्या पुरुषार्थ था इनका, इनको देख करके मुझे तो इतना मजा आता है। फटाफट इन्होंने देखो इसका पुरुषार्थ देखो, राजा मधु का पुरुषार्थ देखो, हाथी पर बैठे बैठे उसने केश लोच करना प्रारंभ कर दिया, गजब हो गया। युद्ध क्षेत्र के बीच में महाराजा सत्येंद्र को देखो, दिन में चल रहा है क्षत्र चूड़ामणि हमारा, महाराजा सत्येंद्र युद्ध चल रहा है काष्ठांगार के साथ में, और युद्ध चलते चलते सेना के साथ में युद्ध करते करते एकदम वैराग्य भाव जागृत हो गया और दीक्षा लेने के लिए समाधि मरण के लिए तैयारी करने लगे। ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र को देख करके प्रेरणा मिलती है, क्या प्रेरणा मिलती है हमारे को, उत्साह जागृत होता है, मजा आता है। तो बोलो अनुभवी व्यक्ति उनको पढ़ना नहीं चाहेगा? आत्मा की रुचि है आपको और आत्मानुभव की चर्चा करने वाले पसंद आएंगे ही आएंगे, अवश्य आएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि आत्मानुभव के रुचि व्यक्ति, रुचि रखने वाले व्यक्तियों को आत्मा के अनुभवी व्यक्ति पसंद नहीं आए? ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम जब कथाएं पढ़ते हैं, ओहो देखो जम्बू स्वामी को देखो, उनको देखो, चार चार पत्नियां, शादी हो गई, भोगों में उलझाने वाली, लेकिन फिर भी आत्मा का आनंद कुछ इस प्रकार का होता है, रात नहीं बीती कि सुबह होते ही पहले दीक्षा के लिए चले गए, गजब का पुरुषार्थ उनका दिखाई देता है। ओहो अनुभवी व्यक्तियों को देखो आप, वेद विज्ञानी व्यक्तियों को, भरत जी छह खंड में रहते हुए भी छह खंड से अलिप्त रहा करते थे, क्या है अनुभव दशा का आनंद, छह खंड की विभूति के अंदर भी आनंद नहीं दिखाई देता। चक्रवर्ती, राजा महाराजा, सम्राट, ऐसे बड़े बड़े योद्धा, उनके उनको देख देख करके हमें मजा आता है कि यार सुख नहीं विषय भोगों में है, छोड़ करके चले गए, वैराग्य जागृत हो गया, दीक्षा ले ली, अतिंद्रिय आनंद रस की कुछ बात ही कुछ अजब गजब की है। तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? विद्युत चरचोर को देख करके, सबको देखो आप, जहां जहां आप कहानियां पढ़ोगे, यदि सच में आत्मा की सच्ची रुचि है तो आपको आत्मा को जानने के लिए विशेष रूप से पुरुषार्थ जागृत कराती है ये प्रथमानुयोग की कथाएं। टोडरमल जी का एक वाक्य कितना सुंदर है, ये कितना महत्वपूर्ण वाक्य है ये पंडित जी साहब का। बोलो बोलो सुरेंद्र जी भाई साहब, पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे हमारे को? क्यों नहीं पसंद आएंगे हा? क्यों नहीं आएंगे पसंद? और यदि आपको प्रथमानुयोग में नीरसता दिखाई दे रही है आपको, और यार पता ही नहीं यार प्रथमानुयोग तो इतना बोरिंग लगता है कि पता नहीं कहानी कहाँ की कहाँ घुमा देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, हमारे दिमाग के ऊपर से चली जाती है। एक कहानी चलती है, फिर वो कहाँ पहुँच गया, फिर किससे शादी हो गई, फिर किधर पहुँच गया, फिर उसका बेटा, फिर उसका ये, फिर उसने वहाँ जन्म ले लिया, फिर वो जन्म लेकर के वहाँ पहुँच गया, फिर उसके उसके साथ में ये हो गया, फिर इधर हो गया, फिर उसको उस कहानी से, अरे भगवान अपने तो समझ में नहीं आती। ऐसे ऐसी चर्चा करते हैं लोग, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप प्रथमानुयोग के पुराण अधिक पढ़ने में उलझ जाते हैं, ठीक है बात, लेकिन तो भी जहाँ जहाँ प्रयोजन प्रयोजन की चर्चा आती है वहाँ आपको मज़ा आता है कि नहीं? मत पढ़िए पूरी कथा, मत पढ़िए पूरी कहानी, लेकिन आप उसको देख करके भगवान महावीर स्वामी के जीवन चरित्र से उदासीन तो नहीं हो सकते। युवा अवस्था में 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी ने दीक्षा ले ली, यह आपके लिए प्रेरणादायक बात दिखाई देगी। कोई जरूरी नहीं है भगवान महावीर स्वामी के 10 भाव, कौन से राजा बने, क्या बने, कौन से स्वर्ग में चले गए, फिर कहाँ चले गए,
कौन से भाव में कैसा था, कोई जरूरी नहीं है सारी दुनिया भर की बातें जानना, लेकिन मोटा मोटा हमारे तीर्थंकर परमात्मा के बारे में इतना तो जानिए कि भगवान कैसे बन गए, उन्होंने कैसे दीक्षा ले ली, आत्मस्वरूप में लीन हो गए, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, वीतरागी सर्वज्ञ हो गए, अनंत सुख की प्राप्ति कर ली उन्होंने, इतना मोटा मोटा तो ख्याल में आना चाहिए। हम जिनके भक्त हैं, जिनके उपासक हैं, जिनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। वाक्य कितना सुंदर है, देखो पहला वाक्य पढ़ा है अभी मैंने, यहां चौथी लाइन है इस पैराग्राफ की 201 नंबर पेज पर, जिसे तीसरी लाइन से देखो, उसी प्रकार जिसके आत्मरुचि हुई हो वह आत्मरुचि के धारक, मुझे आत्मरुचि है, आप भी आत्मरुचि के धारक है, होता है कि नहीं ऐसा? हम लोग सब एक जगह पर एकत्रित क्यों हो गए, अलग अलग देशों में रहते हुए, वीरेंद्र जी साहब न्यूजर्सी से सुन रहे हैं, सब लोग अलग अलग जगह से सुन रहे हैं, कितने देशों से लोग सुन रहे हैं, कितने शहरों से लोग सुन रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं हम लोग एक ही जगह पर एकत्रित क्यों हो गए, अभी 9:20 पर क्यों इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ इसलिए इकट्ठे हो जाते हैं, सबकी दिशा एक ही है, सबकी मंजिल एक ही है, सबकी रुचि एक ही है, सब एक ही विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, एक जगह आकर के एकत्रित हो जाते हैं, कितनी सीधी सी बात है, इसमें क्या है, क्या बोलो जिग्नेश भाई, बोलो होता है कि नहीं ऐसा? एक जैसी रुचि वालों का संगठन अपने आप बन जाता है, ये सहज है ये स्थिति। व्रत करने वालों की रुचि व्रत वालों के साथ में दिखाई देती है, बिजनेस करने वालों की रुचि बिजनेस वालों के साथ में दिखाई देती है। अरे एक कक्षा में पढ़ने वाले 50 स्टूडेंट कॉलेज में नया एडमिशन लिया है, आज ही एडमिशन हुआ है उनका, 50 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ आज एक कक्षा में कॉलेज में, पता है क्या होता है, 5 दिन बाद 10 दिन बाद 15 दिन बाद उन सारे 50 स्टूडेंट्स में से पढ़ने वालों का अलग ग्रुप बन जाता है, क्लास बंक करने वालों का अलग ग्रुप बन जाता है, सिगरेट गुटखा खाने पीने वालों का अलग ग्रुप बन जाता है। ये क्या हुआ, क्या ये कैसे होता है? उनका सबका अलग ग्रुप बन जाएगा, बदमाशी करने वालों का अलग ग्रुप बन जाएगा, उनका सर्कल बन जाएगा अलग, मतलब सबको अपनी अपनी रुचि के हिसाब से लोग पसंद आते हैं और वहां लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। यही तो टोटरमल जी यहां कहना चाह रहे हैं, भैया आत्मा की रुचि वाले सबको आत्मा की रुचि वाले लोग पसंद आते हैं एक दूसरे के साथ में, जिन जिन को आत्मा की रुचि है वो सबको एक दूसरे की चर्चाएं, आत्मानुभव की चर्चाएं, स्वाध्यायी की रुचि वालों को स्वाध्यायी पसंद आते हैं, भोजन की रुचि वालों को भोजन वाले पसंद आते हैं, खान पान की रुचि वालों को वो पसंद आते हैं, क्या शराब पीने वालों को शराब पीने वाले पसंद आते हैं, उनकी संगति हो जाती है, बोलो गुटखा खाने वाले लोग हैं, अरे यार है क्या लाना यार, वो उन्हीं उन्हीं के साथ में उठेंगे बैठेंगे, ये स्वरूप है। और इस मनोविज्ञान को पकड़ा टोडरमल जी साहब ने, और उस मनोविज्ञान को पकड़ करके यहाँ अध्यात्म की सच्ची रुचि वालों के साथ में उसका उदाहरण को सटीक घटित करके प्रस्तुत कर दिया हमारे सामने। देखिए जरा, वह आत्मा के धारक, आत्मरुचि के धारक तीर्थंकर आदि के पुराणों को भी जाने, नंबर 1 प्रथमानुयोग की प्रेरणा दे दी, तथा आत्मा के विशेष जानने के लिए गुणस्थान आदि को भी जाने। बोलो आत्मा की रुचि है, आत्मा कहाँ कहाँ है, आत्मा की क्या क्या अवस्थाएं होती है, आत्मा किन किन अवस्थाओं में दिखाई देता है, उसे भी जानेगा विशेष रूप से, तो करणानुयोग की बात कह दी। तथा आत्म आचरण में जो व्रताधिक साधन है, आत्म आचरण में जो व्रताधिक साधन है उनको भी हित रूप माने। क्या कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी, कहना चाह रहे हैं कि व्रताधिक साधन आत्म आचरण के साधन हैं। व्रताधिक उपवास किसके लिए, बोलो उपवास काई के लिए, ये तो बतलाओ। उपवास आत्मस्वरूप के नजदीक आने के लिए उपवास होता है, तो आत्म अनुभव के लिए ये व्रताधिक साधन दिखाई देते हैं। भोगों का त्याग किया, विषयों का त्याग किया, भोग सामग्री को छोड़ा, उससे विरक्त हो गए। किस लिए विरक्त हो गए, क्योंकि आत्मा रुचने लगा, आत्मा पसंद आने लगा। तो आत्म आचरण में जो व्रताधिक साधन है, चरणानुयोग की बात आ गई ना यहां, उनको भी हित रूप माने, वो भी हित रूप दिखाई दे रहा है।
तथा आत्मा के स्वरूप को भी पहचाने, ये द्रव्यानुयोग की बात आ गई। बोलो, एक ही पैराग्राफ में तीन लाइनों के अंदर पंडित जी ने चारों अनुयोगों का प्रयोजन सिद्ध कर दिया। आप तो कह रहे थे अरे यार इन खान पीन की बातों में कुछ दम नहीं है यार, ये छोड़ दो, ये खा लो, सब जड़ की क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं में क्या दम है, उपवास से क्या होता है, व्रत से क्या होता है, त्याग में क्या होता है, क्या रात्रि भोजन त्याग से क्या हो जाएगा, कि पता है क्या कर रहा है ये व्यक्ति, ये चरणानुयोग वाले पिलर को गिरा रहा है, उसको अनुपयोगी बतला रहा है। नहीं भैया, यदि महल मजबूत रखना है तो चारों ही दीवारें मजबूत होनी चाहिए, एक भी यदि कमजोर हो गई तो पूरा महल गिर जाएगा। बातें इतनी सुंदर लग रही है टोडरमल जी साहब की, आत्मा आचरण में, आत्मा का आचरण करने के लिए व्रत से आत्मा आचरण होता है, व्रत करने से ये जीव आत्म स्वभाव के नजदीक आता है। उपवास करके कोई व्यक्ति सोता पड़ा रहे तो वो सच्चा उपवास नहीं है, उपवास करने पर इस व्यक्ति को आत्मा के नजदीक आने का समय मिलता है, आत्म स्वभाव के नजदीक आने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए चरणानुयोग का साधन करेगा और भूमिका अनुसार करेगा। देखो फिर क्या कह रहे हैं आगे, तथा आत्मा के स्वरूप को भी पहचाने, आत्मा के स्वरूप को पहचाने, इसमें द्रव्यानुयोग आ गया। कि नहीं साहब, आत्मा का स्वरूप पहचानने वाली बात तो हमारे को समझ में आ गई, क्या आत्मा का स्वरूप पहचानने वाली बात तो समझ में आ गई, लेकिन प्रथमानुयोग से क्या मतलब है, चरणानुयोग से क्या होगा, अब गुणस्थानों को जानने से क्या होता है, कोई मतलब तो निकलता नहीं। अरे भाई, गुणस्थानों को जानने से मजा आता है। अच्छा, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को प्रचुर स्वसंवेदन का वेदन होता है, ये होती है छठे सातवें गुणस्थान की दशा, और यार मजा आ गया। क्या तीन कषायों का जब राग परिणति से सहज ही टलता है, बोलो क्या होता है फिर, क्या लिखा है उन्होंने, अभय जी भाई साहब का भजन है ना, वो लिखते हैं आत्मा के अनुभव संबंधी लाइन है ना, इसके अंदर बहुत गजब की लाइन है, आत्मा पसंद आ रहा है क्या, प्रदेशों में आनंद के झरने झरते प्रदेशों में, निज ध्यान जब धरते हैं, बोलो अब इस लाइन को पढ़ करके कितना मजा आता है, हम मजा आ रहा है, आनंद के झरने झरते प्रदेशों में, क्या आनंद के झरने झरते प्रदेशों में, प्रदेशों में आनंद के झरने झरते, मुनिराज भोगते सुख की खान, आत्मानुशासन की पंक्तियां हैं, अभय जी भाई साहब कई पद्यानुवाद है, बहुत सुंदर चर्चा है, पता है उसमें क्या लिखा उन्होंने, निर्धन जन धन बिना दुखी अरु तृष्णा से दुखमय धनवान, सभी भोगते कष्ट मात्र मुनिराज भोगते सुख की खान। अब बोलो, अब इस चरणानुयोग में मजा आ रहा है कि नहीं, मुनिराज की चर्चा में, मुनिराज भोगते सुख की खान, छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका में, अरे सातवें गुणस्थान के ऊपर की भूमिका में मुनिराज अंतर स्वरूप में मग्न होकर के अतिंद्रिय आनंद का रस स्वादन करते हैं, और जब श्रेणी चढ़ते हैं क्या, तब क्या होता है, अंतर मुहूर्त में अनंत चतुष्टय धाराएं, ग्यारहवा बारहवा गुणस्थान, अरे मुनिराजों का गुणस्थान है, लेकिन पूर्ण सुख रूप दशा है भाई साहब, क्या ये सारी बातें, चाहे वो करणानुयोग की बातें हो, तो मजा आ रहा है इस करणानुयोग की चर्चा पढ़ने में हमारे को, चरणानुयोग की बातें हो तो मजा आ रहा है चरणानुयोग की इन बातों को पढ़ने में, प्रतिमाधारी कैसे होते हैं, त्यागी किस प्रकार के होते हैं, त्यागियों का जीवन किस प्रकार का होता है, मुनिराज भोगते सुख की खान, सुख नहीं विषय भोगों में है तुमको लख यह सद्ज्ञान हुआ, ये चरणानुयोग का आनंद,
इसलिए चारों ही अनुयोग कार्यकारी हैं। बोलो बोलो, आया कि नहीं मजा आपको? चारों अनुयोग कार्यकारी हैं। अब यदि आप टोडरमल जी के इस एक पैराग्राफ को पढ़ करके भी कभी कदाचित किसी वाक्य में आप इस तरह की बात कह देवे क्या कि भैया ये कर्ण अनुयोग की बातों में कुछ दम नहीं है, तो इसका मतलब ये है अजीर्ण हो गया है। देखो, तथा उनका अच्छा ज्ञान होने के अर्थ चारों अनुयोगों का। अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ गया हूं मैं, मुझे दो पैराग्राफ पढ़ने हैं अभी और समय सीमित दिखाई देता है। सब्जेक्ट वाइज विषय पूरा करते चले ना, धीरे धीरे बढ़ते भी जाएं। तथा उनका अच्छा ज्ञान होने के अर्थ शब्द न्याय शास्त्रादिक को भी जानना चाहिए। लो, इनका अच्छा ज्ञान करने के लिए, द्रव्यानुयोग का अच्छा ज्ञान करने के लिए, चरणानुयोग कर्णानुयोग का अच्छा ज्ञान करने के लिए क्या करें? बोलो क्या करें? शब्द और न्यायाधिक शास्त्रों को भी जानना चाहिए। ये शब्द क्या है? शब्द क्या होता है? शब्द के अर्थ, शब्द का मतलब व्याकरण समझना चाहिए। शब्द न्यायाधिक शास्त्र को भी जानना चाहिए, मतलब शब्द जानने का मतलब व्याकरण को जानो, और न्याय जानने का मतलब तर्क युक्तियों को जानो, उसे भी जानना चाहिए। आप जानते हैं तो ये क्या होते हैं? न्याय शास्त्र क्या है? न्याय में क्या बातें आती है? लक्षण, लक्षणाभास, नय, प्रमाण, स्यादवाद, क्या अनेकांत, ये सब चर्चाएं न्याय की चर्चाएं हैं। न्याय किसे कहते हैं? कि इसमें मुझे बहुत आनंद आ रहा है, लड्डू खाने में बहुत मजा आ रहा है, फिर थोड़ी देर बाद में बस यार अब नहीं। तो न्याय क्या कहता है? यदि उसमें आनंद होता तो हर समय आनंद होता, और थोड़ी देर बाद में आनंद नहीं आ रहा है इसका मतलब आनंद है नहीं। इसका नाम है न्याय। न्याय मतलब युक्तियों से इस बात को लगाना। क्या समझ में आ रही है बात? तो शब्द न्यायाधिक को भी जानना चाहिए, शब्द को जाने, न्याय शास्त्रों को जाने, लक्षण लक्षणाभास आदि को जाने है? इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार सभी का थोड़ा या बहुत अभ्यास करना योग्य है। भैया थोड़ा बहुत अभ्यास करो, अपनी शक्ति के अनुसार करो, थोड़ा बहुत तो अभ्यास करना चाहिए आपको, जितनी अपनी शक्ति हो। कीजिए शक्ति प्रमाण, फिर वही बात कहूँगा, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना सरदा धरे। जितनी शक्ति हो, भैया महाव्रत लेने की शक्ति हो तो महाव्रत ले लो, महाव्रत लेने की शक्ति नहीं हो तो अणुव्रत अंगीकार कर लो, अणुव्रत लेने की शक्ति नहीं हो तो साधारण गृहस्थ जीवन के योग्य मूल गुणों का पालन करो। उतना भी पालन करने की शक्ति नहीं हो तो हमारे यहाँ तो प्रथमानुयोग इस लेवल तक जाकर के कहता है कि यदि मांसाहार का भी पूरी तरह से त्याग नहीं कर सको तो कौवे के मांस का त्याग कर दो। बोलो आप, इस लेवल तक उतर करके बात करता है, हमारी जनवाणी तो ये कहती है। शक्ति प्रमाण का मतलब समझ में आ रहा है? जितनी हमारे में शक्ति है उतना जरूर करें, जितना पालन कर सकते हो आप उतना अवश्य पालन करें। जैसे मैंने चरणानुयोग के बारे में कही है, ऐसे प्रथमानुयोग के बारे में भी लगा लेना। जैसे मैंने चरणानुयोग के बारे में कही है, ऐसे कर्णानुयोग के बारे में भी लगा लेना। कि साहब कर्णानुयोग का हमारे को तो ज्यादा ज्यादा फिर गुणस्थान पढ़ना शुरू करें फिर पंडित जी साहब, क्या हमने तो पढ़ाया है पूरा, सारे वीडियो उपलब्ध हैं गुणस्थानों के संबंध में। हमें नहीं उलझना गुणस्थानों में, कोई बात नहीं, मोटा मोटा तो जान। चौथे गुणस्थान में सम्यक्त्व होता है, पांचवा गुणस्थान प्रतिमाधारियों का होता है, छठा सातवा गुणस्थान भावलिंगी संतों का होता है, तेरहवा चौदहवा गुणस्थान अरहंत भगवान का होता है, इतना मोटा मोटा तो जान। पहला गुणस्थान मिथ्या दृष्टियों का होता है, भाई इतना तो जान ले बस, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा गमनागमन पढ़ने की जरूरत नहीं है। कौन से गुणस्थान में क्या, कितना गहराइयां, कितने करण, कितने की बंध विच्छित्ति मत जानो ज्यादा, मोटा मोटा तो जानो। अरंत भगवान भी तेरहवे चौदहवें गुणस्थान वाले हैं। इतना तो जान ही लेना चाहिए। चरणानुयोग की ज्यादा सूक्ष्मता में मत जाओ, लेकिन अनीति अन्याय अवक्ष्य का त्याग करने योग्य है मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाने के लिए, इतना तो जानो।
सब इतना तो जान लेना चाहिए। प्रथमानुयोग की ज़्यादा कहानी किससे आपको नहीं पता हो, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा 24 होते हैं, चक्रवर्ती 12 होते हैं। चक्रवर्ती सम्राट अपने चक्रवर्तित्व के राजपाट को छोड़कर दीक्षा ले लेते हैं, इतना मोटा मोटा तो जानो। और चर्चा करने वालों के प्रति द्वेष बुद्धि मत रखो। क्या? चरणानुयोग का पालन करने वालों के प्रति द्वेष बुद्धि मत रखो, नम्रता से। आपको लगता है कि कोई व्यक्ति चरणानुयोग में ही उलझ गया हो क्या, और चरणानुयोग के पालन करने में ही अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है? रोजाना क्या खाना, क्या पीना, मसाले पीस रहा है, ये कर रहा है, उसकी तैयारी में जुटा रहता है, पढ़ता ही नहीं है, स्वाध्याय ही नहीं करता है, तो भी आप उसका निषेध नहीं करें, उसे प्यार से समझा देवें कि भैया इतना तो कर रहे हो, सो तो अच्छा। क्या कहा? जितना पालन कर रहे हो दृढ़ता से, उतना तो अच्छा, लेकिन इन सब का पालन करते हुए थोड़ा सा ये भी समझो, इनका त्याग क्यों कराया है? क्योंकि इनमें भी जीव है। इतना समझ में आ रही है कि? हाँ साहब, समझ में आ गई कि इनमें भी जीव है। इसलिए इनमें जीव का मतलब समझते हो, जैसा मुझ में जीव है वैसा ही उसमें जीव है, ये समझाया, तो उसे आत्मा की तरफ कन्वर्ट कर दिया। चरणानुयोग पढ़ने वाले व्यक्ति को प्रथमानुयोग की कथाएं पढ़ाते पढ़ाते आप उसे प्रयोजन का ज्ञान करा दो। क्या बोलो, करेंगे? आइए जैन साहब, जब जैसा प्रसंग बनेगा, अभी तो तीनों टाइम चलता है, निवेदन है कि न्याय शास्त्रों के ऊपर भी प्रवचन करें, जैसा भी होगा। लेकिन हमारा कहने का मतलब यह है, अभी जो हम बात कह रहे हैं इस बात में प्रथमानुयोग पढ़ा, अब प्रथमानुयोग को पढ़ते पढ़ते क्या करना, ये देखना, अरे ये जीव वहां से जन्म लेकर के आया है, अच्छा ये जीव पहले वहां था, अच्छा ये मरने के बाद में वहां चला गया। तो इस प्रथमानुयोग को पढ़ते पढ़ते आपको आत्मा की अनादि अनंतता नजर आनी चाहिए, ये मूल प्रयोजन पर दृष्टि हो जावे, भेद विज्ञान पर दृष्टि हो जावे, वीतरागता ख्याल में आने लगे, उस वीतरागता को हाईलाइट करने के लिए आप प्रथमानुयोग में विशेष पढ़ने वालों को थोड़ा थोड़ा सा आप गाइडलाइन प्रस्तुत कर दीजिए। भैया तुम पढ़ते तो बहुत हो, कहानी किससे तो बहुत पढ़ते हो, अच्छा बतलाओ इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, अच्छा बतलाओ ये जो आपने प्रथमानुयोग का ग्रंथ पढ़ा, मैं पूछता था कभी कभी ऐसा, मेरे ताऊ जी थे वो प्रथमानुयोग का बहुत ग्रंथ पढ़ते थे, और 2-3 दिन के अंदर प्रथमानुयोग का पूरा ग्रंथ पढ़ जाते थे, और फिर कहते थे कि और बेटा और लाना, और ग्रंथ लेकर के आना प्रथमानुयोग का। मैं कभी कभी उनसे पूछता था कि बताओ आपने ये जो ग्रंथ पढ़ा, आपने ये जो क्षत्र चूड़ामणि पढ़ा, आपने जो राम कहानी पढ़ी, इसमें क्या महत्वपूर्ण बात लगी आपको, पूरी पूरी किताब में से आप मेरे को कुछ वाक्य बतला दो। फिर मैं उन्हें बतलाता था, देखो आप ये सब होते हुए भी, ये सारा राजपाट होते हुए भी सब छोड़ करके दीक्षा ले ली, ये महत्वपूर्ण चीज है, इसका मतलब ये है इन सब चीजों में उन्हें सुख नहीं दिखाई दिया, सुख कहीं और है, ये बात हाईलाइट होनी चाहिए। बोलो आ रही है बात ख्याल में? देखो यहां टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं, अपनी शक्ति के अनुसार सभी का थोड़ा या बहुत अभ्यास करना योग्य है, थोड़ा बहुत अभ्यास। किस लिए कह रहे हैं टोडरमल जी? इसलिए कह रहे हैं भैया हम जानते हैं आप आत्मा आत्मा की चर्चाएं पढ़ते सुनते हुए आपका मन नहीं लगेगा, ज्यादा उपयोग नहीं लगेगा, समय तो आपके पास में बहुत है, 24 घंटे हैं, इसलिए कहते हैं कभी कभी पूजन भी किया करो भगवान की, कभी भक्ति भी किया करो, कभी आपस में चर्चा वार्ता भी किया करो, कभी प्रथमानुयोग की कहानियां भी पढ़ा करो, कभी चरणानुयोग के ग्रंथों को भी पढ़ा करो। अभी संयोग से तो तीनों टाइम हमारे इसी तरह के चल रहे हैं, सुबह द्रव्यानुयोग का विषय चल रहा है, दोपहर में प्रथमानुयोग चलता है क्षत्र चूड़ामणि, रात को चरणानुयोग चलता है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। बोलो कि पंडित जी करणानुयोग नहीं चल रहा, कि प्रसंगानुसार बीच बीच में करणानुयोग की चर्चाएं आ जाती है, तो सब चर्चाएं करते हैं, थोड़ा बहुत अभ्यास होना चाहिए, ये पंडित जी साहब का यहां निवेदन है, प्रेरणा है हमारे लिए। फिर वह कहता है, वह कौन? टोडरमल जी का शिष्य शंकाकार, शंकाकार कौन? टोडरमल जी स्वयं ये शंकाकार हैं।
ये टोडरमल जी स्वयं क्या कह रहे हैं, क्या प्रश्न उठाया है, देखो गजब का। मैंने बतलाया था पहले भी आपको, मैक्सिमम आगम प्रमाण टोडरमल जी साहब शिष्य के मुंह में रखते हैं, मैक्सिमम आगम प्रमाण शिष्य के मुंह में रख देते हैं। फिर वह कहता है पद्मनंदी पच्चीसी, पद्मनंदी पंचविंशति का, क्या पद्मनंदी पच्चीसी माने पंचविंशति का, मैं ऐसा कहा है कि, शास्त्र का प्रमाण रख रहा है शिष्य, देखो क्या कह रहे हैं, आत्मस्वरूप से निकलकर बाह्य शास्त्रों में बुद्धि विचरती है सो वे बुद्धि व्यभिचारिणी है। ओ क्या कह रहे हैं, आगम प्रमाण प्रस्तुत कर दिया। अरे पंडित जी साहब मैं क्या बताऊं आपको, आपकी बातें चारों अनुयोगों को पढ़ने के लिए सच्ची है, मैं मानता हूं आपकी बात सच्ची है, लेकिन मैंने पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ पढ़ा था थोड़े दिन पहले, और जब वो ग्रंथ पढ़ा तो उसमें सद्बोध चंद्रोदय अधिकार के 38 नंबर के श्लोक में फुटनोट में नीचे प्रस्तुत किया है, बाह्य शास्त्र गहने विहारिणी या मतिर बहु विकल्प धारिणी चित स्वरूप कुल सद्म निर्गता सा सती न सदृशी कुयोषिता। श्लोक के माध्यम से ये कह दिया कि साहब इस श्लोक के अंदर ये बात कह दी है, जो बुद्धि आत्मस्वरूप को छोड़कर दूसरे शास्त्र आदि पढ़ने के अंदर लगती है, शास्त्रों में बुद्धि विचरती है, बोले व्यभिचारिणी बुद्धि है, व्यभिचारिणी बुद्धि है। इसलिए जब से हमने ये बात पढ़ी पद्मनंदी पंचविंशति का की, तब से हमने सोच लिया भैया हम तो अध्यात्म शास्त्र ही पढ़ेंगे, न करणानुयोग पढ़ेंगे, न चरणानुयोग पढ़ेंगे, न प्रथमानुयोग पढ़ेंगे। अब टोडरमल जी देखो क्या जवाब दे रहे हैं, उत्तर सुनो, यह सत्य कहा है, यह सत्य कहा है। सामने वाला प्रश्न करने वाला व्यक्ति सुनते ही एकदम खुश हो गया, टोडरमल जी का ये वाक्य पढ़ते ही वो व्यक्ति कितना खुश हो गया होगा, टोडरमल देखो मैं सच्ची बात कह रहा हूं, आगे ना देखो आप भी लाइन पर, आप भी बात स्वीकार कर रहे हो ना कि हां तूने जो कहा वो सत्य है, बुद्धि तो आत्मा की है, देखो उसका अर्थ बतला रहे हैं, बुद्धि तो आत्मा की है उसे छोड़कर, बुद्धि किसकी है भैया, आत्मा की, अब आत्मा को छोड़कर परद्रव्य शास्त्रों में अनुरागिनी हुई, पुद्गल द्रव्य के वर्णन में धर्म धर्म आदि के वर्णन में उसमें अनुरागिनी हुई, उसे व्यभिचारिणी ही कहा जाता है। तुम बिल्कुल सत्य बात कहते हो, तुम्हारी बात बिल्कुल जच रही है, आत्मस्वरूप और अध्यात्म शास्त्रों को छोड़कर बुद्धि यदि दूसरी जगह पर चली गई है तो क्योंकि आत्मा की बुद्धि आत्मा में लगनी चाहिए, जिसकी पत्नी जिसके साथ में रहनी चाहिए, जिसकी वाइफ वो उसके साथ में रहे, अब यदि किसी पर पुरुष के साथ में चले जाए तो वे व्यभिचारिणी कहलाएंगी, बुद्धि किसकी है, बुद्धि आत्मा की, आत्मा की बुद्धि, और निकल करके चले कहां गई वो बुद्धि, कहां लगा रहे हो कि परद्रव्य में लगा रहे हो, छह द्रव्यों के अंदर लगा रहे हो, इधर उधर के गुणस्थान अधिक के अंदर लगा रहे हो, तो बोले आत्मा को छोड़ करके बाहर निकली तो बोले व्यभिचारिणी है, बोले बात तो ऐसी है, परंतु, अब परंतु गजब की बात कह दी, बोले बाहर निकलने का मतलब जानते हो आप क्या है, परंतु कहकर के बात को स्पष्ट कर दिया पंडित जी ने, बड़ा गजब का है टोडरमल जी साहब का ये परंतु, जैसे स्त्री शीलवती रहे तो योग्य ही है, क्या क्या कह रहे हैं, यदि स्त्री शीलवती रहे तब तो योग्य ही है, और न रहा जाए, अरे ये क्या कह रहे हैं, न रहा जाए तब उत्तम पुरुष को छोड़कर चांडाल आदि का सेवन करने से तो अत्यंत निंदनीय होगी। ये उदाहरण इस तरह का दे रहे हैं टोडरमल जी साहब, यद्यपि टोडरमल जी ने पिता के घर की भी चर्चा की है इसी तरह के एक प्रसंग में, कि शीलवती स्त्री के लिए योग्य तो यही है कि वो पति के घर में रहे, और पति के घर से निकल करके जाए तो पिता के घर में चले जाए, लेकिन अन्य के घर में जाकर के रहना तो योग्य नहीं है। ये टोडरमल जी ने दिया है उदाहरण आगे, उसी तरह से ये कह रहे हैं कि आपकी बुद्धि यदि आपके निज घर में रहे आत्मस्वरूप में रहे तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आत्मस्वरूप में उपयोग न रह सके, आत्मस्वरूप माने पति का घर,
आत्मस्वरूप माने स्वामी का घर, उसमें यदि उपयोग न रह सके तो पिता का घर माने पंच परमेष्ठियों के यहां चले जाए, जिनवाणी माँ माँ के घर चले जाए, जिनवाणी माँ है ना, अपना आत्मस्वरूप स्वामी है तो जो स्वामी है उसमें उसके साथ में रमण करे। और यदि स्वामी के साथ में रहते हुए बहुत समय हो गया, थोड़ा मन है थोड़ा बाहर निकलने का, तो माँ के पास चले जाए। माँ कौन है? बोले जिनवाणी। कि पिता के पास में चले जाए कि पंच परमेश्वरी पिता है, अरिहंत पिताजी मेरे, वहां चली जाए। लेकिन किसी अन्य के यहां जाना तो योग्य नहीं है, ये बात कह रहे हैं। अब देखो इसको उदाहरण को थोड़ा सा इन्होंने अलग एंगल में यहां प्रस्तुत किया है, मैंने जो बात कही है वो दूसरी जगह पर प्रस्तुत किया है। यहां ये क्या कह रहे हैं, शीलवती नहीं रहा जाए। मान लीजिए कोई जवान लड़कियां हैं, घरों में होती हैं, सबके घरों में होंगी। अब वो किसी के साथ में लव मैरिज करने के लिए तैयार है, किसी के साथ में भागने को तैयार है, तो क्या होगा? भैया तेरे से नहीं रहा जा रहा है, तूने लड़का चुन लिया है तो कम से कम कोई जैन हो तो माता पिता भी तैयार हो जाते हैं, अपने उच्च जाति कुल वाला हो तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन हीन जाति कुल वाला हो तो माता पिता भी क्या कहते, तुझे यही मिला था भागने के लिए, तुझे यही मिला था शादी करने के लिए, तुझे यही लड़का मिला था, ऐसी बातें होती है कि नहीं बतलाओ? यद्यपि माता पिता की आज्ञा के बिना, निर्देशन के बिना, कहीं भी यदवा तदवा किसी भी लड़के के साथ में कुशील व्यभिचार रंच मात्र भी योग्य नहीं है। अविवाहित लड़की का किसी भी लड़के के साथ में घूमना फिरना, घूमने फिरने की बात लगाओ, और यदि कदाचित न रहा जाए और वो घूमे फिरे कॉलेज में, दोस्त बनाए, दोस्त की चर्चा करो यहां, दोस्त बनाए, तो कह रहे कम से कम उच्च जाति कुल वाला तो योग्य हो। और यदि उसे छोड़कर चांडाल आदि का सेवन करे तब तो घोर निंदनीय होती है, ऐसा कह रहे। उसी प्रकार बुद्धि आत्मस्वरूप में प्रवर्ते तो योग्य ही है, ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, आत्मस्वरूप में यदि आपकी बुद्धि प्रवर्ती है तो बहुत योग्य है, और न रहा जाए तो, आत्मस्वरूप के अंदर यदि न रहा जाए तो बोले प्रशस्त शास्त्रादिक पर द्रव्यों को छोड़कर, प्रशस्त शास्त्र हैं, शुभ शास्त्र हैं, चार अनुयोग हैं हमारे पास में, जिनवाणी हमारे को मिल गई, तत्व ज्ञान हमारे को मिल गया, अरे उपयोग को यदि बाहर भी लगाना हो तो हमारे पास में भक्ति पूजन विधान अनुष्ठान प्रतिक्रमण पाठ स्तुतियां म्यूजिक संगीत भजन भक्तियां ऐसी बहुत हैं जहां आप उपयोग को रमा सकते हो। कहीं प्रथमानुयोग में लगाओ, चरणानुयोग में लगाओ, खान शुद्ध भोजन आदि के, मतलब आपके उपयोग को रमाने के लिए, अरे द्रव्य की चर्चाएं कर रहे हैं, गुणस्थान की चर्चाएं कर रहे हैं, जम्बूदीप की चर्चाएं जानने में अपने उपयोग को लगा रहे हैं, अकृत्रिम चैत्यालय किस प्रकार के होते हैं, लकी हो तो सम्यक धर्म, तो बोलो मन रमता है कि नहीं उसमें, निकल जाएगा कोई बात नहीं। ये टोडरमल जी का बहुत सुंदर वाक्य है, प्रशस्त शास्त्रादिक पर द्रव्यों को छोड़कर अप्रशस्त विषयादिक में लगे तो महानिंदनीय होगी। अब टोडरमल जी कह रहे हैं आत्मस्वरूप में तो तेरा लंबे समय तक उपयोग टिकता नहीं है, ध्यान देना पॉइंट्स पंडित जी का ध्यान देना, आत्मस्वरूप में तो बहुत लंबे समय तक तुम्हारा उपयोग टिकता नहीं है, शास्त्र में उपयोग लगाने को तुम बुद्धि का व्यभिचार कह रहे हो तो क्या करोगे बताओ? आत्मस्वरूप में उपयोग लगा नहीं, शास्त्र स्वाध्याय का तुम निषेध कर रहे हो तो उपयोग न्यूज़पेपर पढ़ने में लगाओगे, विषय कषाय आदि के पोषक उपन्यास पढ़ने में लगाओगे और क्या करोगे? महानिंदनीय होती है बुद्धि। सो मुनियों की भी चर्चा उठाई थी, आपको ध्यान है मुनिराजों से चर्चा उठाई थी इस प्रश्न का जवाब देते समय, ये पहले नंबर के पॉइंट की चर्चा चल रही है जो 200 नंबर पेज पर शुरू किया था हमने। सो मुनियों की भी स्वरूप में बहुत काल बुद्धि नहीं रहती तो तेरी कैसे रहा करें? भैया मुनिराज की भी बुद्धि आत्मस्वरूप के अंदर लंबे समय तक नहीं रहती है, यदि मुनिराज की बुद्धि मुनिराज का उपयोग आत्मस्वरूप में अंतर्मुहूर्त से ज्यादा रह जाए तो श्रेणी चढ़ करके केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ले, वे भगवान बन जाए। तो जब मुनिराज का ही उपयोग अंतर्मुहूर्त से ज्यादा आत्मस्वरूप में नहीं टिकता है तो बात क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं तुम कितने महान हो गए, तुम क्या भगवान हो गए जो आत्मा से उपयोग निकलेगा ही नहीं?
तुम क्या परमात्मा हो गए, मुनिराजों से भी श्रेष्ठ हो गए कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। तो फिर तुम्हारी बुद्धि बहुत काल तक आत्मा में नहीं रहेगी, तो बाहर निकलेगी ना, और बाहर निकलेगी तो बाहर में किसका अनुसरण करोगे। इसलिए बाहर में अनुसरण करने योग्य चार अनुयोग हैं, उनमें अपनी बुद्धि को लगाना। तो इसलिए शास्त्राभ्यास में उपयोग लगाना योग्य है। समझ में आई क्या बात? ये पहले पॉइंट का निराकरण किया वो निश्चय आवासी जीव। पहला पॉइंट क्या था? शास्त्राभ्यास करना निरर्थक बतलाता है। पेज नंबर 200 पर निश्चय आवासी की स्वच्छंदता वाले प्रकरण की चौथी लाइन है, शास्त्राभ्यास को निरर्थक बतलाता है। तो टोडरमल जी ने यहाँ एक डेढ़ पेज में इसका स्पष्टीकरण करते हुए यह बतलाया कि शास्त्राभ्यास करना निरर्थक नहीं है, शास्त्राभ्यास करना सार्थक ही है। क्या शास्त्र अभ्यास करना, अरे समझ में आ रही है बात? इस अभ्यास में बड़ा मर्म छिपा हुआ है। और अभ्यास कैसे किया जाता है? आज का तो हमारा समय हो गया, कल यदि विकल्प रहेगा मुझे, नहीं तो याद दिलाना आप लोग मुझे, तो इस अभ्यास की चर्चा करेंगे, और याद नहीं रहेगी तो आगे बढ़ जाएंगे फिर जो कुछ भी होगा। अभ्यास शब्द के माध्यम से मेरे दिमाग में कई बातें उछल रही है कि अभ्यास किस तरह से किया जाए, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। सो कल अपन अपेक्षित विस्तार से इस प्रकरण को देखेंगे, अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं कि अपना उपयोग अधिक से अधिक शास्त्र स्वाध्याय में, जनवाणी के पठन पाठन में लगाएं, और शास्त्र स्वाध्याय में ही अटक करके न रह जाएं, यहाँ से अधिक ऊपर उठकर अपने आत्मस्वरूप को जानकर अपने उपयोग को आत्मस्वरूप में भी तल्लीन करने का प्रयत्न करें। हम सबकी ऐसी दशा हो, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। दोपहर में 3:30 बजे जीवंदर चरित्र की बहुत सुंदर चर्चा चल रही है, बहुत पसंद आ रहा है, मैं सुन रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और 8 बजे जो चर्चा चलने वाली है चरणानुयोग की, वो यह सब यथावत चलेगी। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। 9 बार मुकर मंत्र।